हाय गाइस, वेलकम टू द ऑटोमोटिव कैफे। सो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में अंडर 10 लाख ऐसी कौन सी पांच बेस्ट सीएनजी कार्स है जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड साथ ही साथ हमने हर एक कार की इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिटेल में शेयर की है, लाइक इंजन स्पेसिफिकेशंस, माइलेज, डायमेंशंस एंड उनके सीएनजी वेरिएंट में ऐसे कौन से फीचर्स भी अवेलेबल है। सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पांचवें नंबर से, एंड यहाँ पे पांचवें नंबर पे आ रही है मारुति वैगनर। और वैगनर के टोटल 14 वेरिएंट्स अवेलेबल है, जिसमें से आपको दो वेरिएंट सीएनजी ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। एंड इट इज पावर्ड बाय 1 लीटर K10B सीएनजी इंजन, विच इज मेटेड टू 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड इस इंजिन में आपको 32.52 किलोमीटर पर केजी की अच्छी माइलेज देखने को मिल जाती है। एंड इंडिया में जितनी भी सीएनजी कार्स अवेलेबल है उसमें से वैगनर सबसे ज़्यादा माइलेज प्रोवाइडिंग सीएनजी कार है। अब यहाँ पे आपको वैगनर में सीएनजी वेरिएंट में ड्यूअल टोन इंटीरियर, ड्राइवर साइड एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, स्पीड अलर्ट सिस्टम एंड रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करूं वैगनर के प्राइसेस की, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टोटल 14 वेरिएंट्स अवेलेबल है, जिसमें से दो वेरिएंट आपको सीएनजी में देखने को मिल जाते हैं। उसमें से एक वेरिएंट की प्राइस है 5.2 लाख एंड दूसरे वेरिएंट की प्राइस है 5.3 लाख। एंड ये जो प्राइसेस है वो एक्स शोरूम दिल्ली की। नाउ द नंबर 4 इज इंडियाज फेवरेट फैमिली हैचबैक कार ह्युंडई सेंट्रो। Now the Hyundai Sentra is powered by 1.1-liter CNG engine and it is mated with 5-speed manual transmission. And इस engine में आपको 30.48 km per kg की काफ़ी अच्छी mileage भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं Sentra के features की, तो इसके CNG engine में आपको rear parking sensors, driver airbag, ABS with EBD, speed and impact sensing auto door unlock, 17.1 cm touchscreen display, USB and Bluetooth connectivity, front speakers and rear AC vents जैसे features देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं बात करूँ Hyundai Sentra के prices की, तो total Hyundai Sentra के 11 variants available है, जिसमें से दो variant आपको CNG में देखने को मिल जाते हैं, जिनकी prices आप अभी screen पर देख ही सकते हो। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रही है Hyundai Grand i10 Nios। अब ग्रैंड i10 Nios को हमने थर्ड रैंक पे इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें आपको फीचर्स तो देखने को मिल जाते हैं, बट इसके सीएनजी में माइलेज थोड़ी सी कम है कंपेयर टू अदर इंजन्स। सो यही एक रीजन था ग्रैंड i10 Nios को थर्ड रैंक पे रखने का। अब मैं बात करूँ इसके प्राइसेस की, तो टोटल 19 वेरिएंट्स अवेलेबल है, जिसमें से दो वेरिएंट आपको सीएनजी में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक वेरिएंट की प्राइस है 6.7 लाख एंड दूसरे वेरिएंट की प्राइस है 7.2 लाख। अब यहाँ पे ग्रैंड i10 Nios में आपको 1.2 लीटर का सीएनजी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पावर आउटपुट वैगनर एंड सेंट्रो से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ मेटेड टू 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें आपको 18.5 किलोमीटर पर केजी की क्लेम्ड माइलेज देखने को मिल जाती है। नाउ द ग्रैंड i10 Nios इंक्लूड्स द फीचर्स लाइक इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, स्पीड एंड इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, 20.2 cm टचस्क्रीन डिस्प्ले, एप्पल एंड एंड्रॉयड कारप्ले कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स एंड कीलेस एंट्री। सो कंपेयर टू अदर कार्स इसमें आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रही है Hyundai Aura। अब Hyundai Aura एक 5-seater कॉम्पैक्ट सेडान कार है। It is powered by 1.2-liter CNG engine and it is mated with 5-speed manual transmission. दोस्तों ये वही सेम इंजन है जो इंजन आपको ग्रैंड i10 Nios में देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे माइलेज कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छी है, 28 किलोमीटर पर kg की। Now the Hyundai Aura includes the features like emergency stop signal, rear parking sensors, dual airbags, ABS with EBD, ISOFIX child seat, Bluetooth connectivity, steering mounted audio controls, फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स, रियर एसी वेंट्स, कूल्ड ग्लो बॉक्स, कीलेस एंट्री एंड टिल्ट स्टेयरिंग। तो दोस्तों अगर इस फीचर्स को हम बाकी सब कार्स से कंपेयर करें तो Hyundai Aura के सीएनजी इंजन में आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं Hyundai Aura के प्राइसेस की, तो टोटल 12 वेरिएंट्स अवेलेबल है, जिसमें से एक वेरिएंट आपको सीएनजी में देखने को मिल जाता है एंड जिसकी प्राइस है 7.3 लाख।
तो चलिए गाइस अब फाइनली बात कर लेते हैं कि पहले नंबर पे कौन सी सीएनजी कार आ रही है जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। एंड द फर्स्ट पोजीशन इज अचीव्ड बाय मारुति सुजुकी अर्टिगा। अर्टिगा एक 7-सीटर एमयूवी कार है, यानी कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। एंड अर्टिगा को फर्स्ट रैंक पे रखने के टोटल 3 रीजंस है। पहला रीजन ये कि एक 7-सीटर कार है तो यहाँ पे आपको ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। दूसरा रीजन ये है कि 7-सीटर होने के बावजूद भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी माइलेज देखने को मिल जाती है। एंड तीसरा रीजन ये है कि अर्टिगा जिस प्राइस रेंज पे अवेलेबल है उस प्राइस रेंज के अनुसार आपको सभी रिक्वायर्ड फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आपकी चॉइस सीएनजी इंजन है देन अर्टिगा इज रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। अब मैं बात करूँ अर्टिगा के इंजन स्पेसिफिकेशंस की, इट इज पावर्ड बाय 1.5 लीटर सीएनजी इंजन। एंड गाइस अर्टिगा इकलौती ऐसी सीएनजी कार है जिसमें आपको 1.5 लीटर का सीएनजी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड कंपेयर टू अदर इंजन्स इस इंजन में पावर आउटपुट भी ज़्यादा है। एंड इट इज मैटेड टू 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जिसमें आपको 26.08 किलोमीटर पर kg की डिसेंट माइलेज देखने को मिल जाती है। अब मैं बात करूँ अर्टिगा के फीचर्स की, तो इसके सीएनजी वेरिएंट में आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर, कीलेस एंट्री, ऑल सीट हेडरेस्ट, टिल्ट स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ड्यूअल एयर बैग, ABS विथ EBD, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर अनलॉक। अब मैं बात करूँ अर्टिगा के प्राइसेस की, तो इसके टोटल 7 वेरिएंट्स अवेलेबल है जिसमें से एक वेरिएंट आपको सीएनजी में देखने को मिल जाता है जिसकी एक्स शोरूम प्राइसेस है 8.9 लैक्स। सो दोस्तों ये थी वो 5 सीएनजी कार्स जो अंडर 10 लैक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ और कार्स भी है जैसे कि मारुति सुजुकी सिलेरियो, इको, अल्टो एंड एस्प्रेसो। ये 4 कार्स में भी आपको सीएनजी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सो हमने जो 5 कार्स बताई, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप इन 4 कार्स की तरफ भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।